मैंने आपको अलग अलग साइड से दिखाता हूँ। ये अभी हम नज़दीक पहुँच गए, यहाँ से भी देख सकते हो। है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाएंगे चार चिनारी। चार चिनारी कैसे जाते हैं, ये सामने से आप शिकारा देख रहे हो, इन्हीं शिकारों में जाते हैं हम चार चिनारी। इनमें से एक शिकारा जाएगा चार चिनारी, हम जाएंगे आज चार चिनारी कैसा दिखता है। चलो दोस्तों, वीडियो में बने रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। आपके लाइक करने से, शेयर करने से मोटिवेशन मिलता है। आप देख रहे हैं हम जा रहे हैं अभी शिकारे में जा रहे हैं। वो सामने से दूर देख रहे हो आप, वो चार चिनारे है। बहुत ही लंबा रास्ता है, क्योंकि आज आपको पता है आज मौसम भी ठीक नहीं था, क्योंकि आज जा रहे हैं हम चार चिनारे के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। फिलहाल हम जा रहे हैं, अभी देख सकते हो आप। रास्ता लंबा है, इसलिए जल्दी निकलना पड़ता है, क्योंकि ये डल लेक के अंदर एक आइलैंड है। यहाँ से हम आए हैं, यह है घाट। यहाँ से हमने शिकारा पकड़ लिया है चार चिनार जाने के लिए। अभी हम नज़दीक पहुँच गए हैं, हम चार चिनार के नज़दीक। आप देख सकते हो, क्योंकि आज बहुत ठंड थी, मन नहीं था जाने के लिए, फिर मन बनाया, फिर हम निकल पड़े अपने मिशन के लिए, चार चिनार जाने के लिए। कि मुझे बहुत सारों ने बोला था आप चार चिनार पे व्लॉग बनाओ, चार चिनार कैसा दिखता है। तो विंटर का टाइम है, तो इसके जो चार चिनार का पेड़ है पूरा सूख गया है। तो मार्च अप्रैल मई में पूरा ये ग्रीन होता है यहाँ पे। अभी आपको पता है दिसंबर महीने में कैसा होता है यहाँ पे, कश्मीर में पूरी ठंडी है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पर कुछ टूरिस्ट लोग आए हैं। यहाँ से आप देख सकते हो, मैंने आपको अलग अलग साइड से दिखाता हूँ चार चिनार का आइलैंड। ये देख सकते हो, यहाँ से भी सामने से भी दिखा सकता हूँ आपको। देखो बहुत सारे टूरिस्ट आए थे शिकारे में, यहाँ से भी हमको दिखाया आपको, चारों साइड मैंने आपको दिखाया है ये आइलैंड दिखाया आपको। यहाँ आने के लिए घाट से आना पड़ता है, शिकारा पकड़ना पड़ता है। हम ऊपर जाएंगे, हम ऊपर का थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। फाइनली हम चार चिनार पे पहुंच गए हैं, आपको दिखाएंगे। मैं धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूँ, बहुत सारे टूरिस्ट लोग आए हैं यहाँ पर ऑलरेडी। यहाँ से भी देख सकते हो आप, यहाँ से चार चिनार के पेड़। बहुत ही अच्छा लगा, हम सुबह सुबह निकल गए यहाँ के लिए, हर किसी बारिश हुई थी। ये देख सकते हो चार चिनार का पेड़, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ से भी बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये चार चिनार का पेड़ है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत बहुत दूर जगह से आते हैं यहाँ पे। यहाँ से भी देख सकते हो आप,